क्या आजम खान को हम दोबारा लेके आएंगे? ये कौन ये एक बताएगा सवाल आपको? उठता है। आप किससे पूछने जाएंगे अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये सवाल आपको आप, क्या लगता है नहीं अभी? आप बताए ना, आप किससे पूछने जाएंगे अगर आपको सवाल पूछना है तो आप किससे पूछने जाएंगे? मैं कैप्टन और कोच से पूछना कोच से चाहूंगा। पूछना चाहूंगा। आपको पता ही नहीं है कोच कौन है, आपको पता ही नहीं है कोच को लगाने वाला कौन है, तो आप किससे पूछेंगे? वो तो चले गए अपनी 2 महीने की नौकरी करके, लेकिन कैप्टन तो रहेंगे मेरे ख्याल से। कैप्टन तो रहेगा, कैप्टन की कहाँ चलती, कैप्टन की चलने के लिए बहुत जरूरी है कि उसको बोर्ड बैक करे। बाबर आजम को बैक किया, बाबर आजम ने भले गलतियां की हैं लेकिन कैप्टन को बैक किया कि कैप्टन ने अपने डिसीजन लिया, कैप्टन को ही अकाउंटेबल ठहराया गया, कैप्टन ने ही रिजाइन दिया, कैप्टन को ही लोगों ने बुरा भला भी बोला, क्योंकि सबको पता था कि बाबर आजम हैज द अथॉरिटी। बाबर आजम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ड्यूरिंग रमीद राजा's टाइम और ड्यूरिंग वसीम खान और एहसान मानी's टाइम ही वाज आस्क्ड टू डू समथिंग डिफरेंट। आप ये कह सकते हैं कि भाई सेठी के टाइम पे उनसे उन पर प्रेशर आया, फिर भी ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में सेठी साहब ने आके बोला कि बाबर हमारा कैप्टन है, इससे ज्यादा आपको बैकिंग क्या चाहिए? यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि जो है वो हफीज साहब प्लेयर्स को जो है वो स्कूल के बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा सुनने में आया है कि वो सब कुछ खुद ही अपने आप को मान रहे हैं। तो हु इज गोना टेल यू कि हम आगे क्या करेंगे? हु इज गोना टेल यू? हु इज गोना बी अकाउंटेबल फॉर इट? सो ये अनफेयर एटीट्यूड है। सैडली स्पीकिंग आई मे बी हेल्ड रियली, यू नो, आई मे बी कंसिडर्ड रियली रूड ओवर हियर, बट द थिंग इज दैट मोहम्मद हफीज साहब ने या जो भी लोग थे उन्होंने अपना ख्याल किया सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे। उन्होंने उनकी मैं नियत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें की, दे ओनली थॉट अबाउट कि हम अभी क्या करनी है, क्योंकि सबको पता था कि वन मैन शो नजर आए हैं मुझे। बिल्कुल वो स्पिन बॉलिंग भी सिखा रहे होते हैं, कीपिंग सिखा रहे होते हैं, उनकी जो तस्वीरें और वीडियोज आ रही होती हैं, बैटिंग सिखा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो ऐसा करते कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब रखते, सईद अजमल मौजूद हैं आपके पास, उमर गुल हैं लेकिन राइट मैन ऑफ द राइट जॉब आपको तब पता चलता है, लेकिन राइट मैन ऑफ द फॉर द राइट जॉब को तब पता चलता है उसको टाइम देते हो। सही है, वो कोई भी राइट मैन आता है ना, जैसे मैं किसी और को भी ये मिसाल दे रहा था, फुटबॉल में कोच को लिया जाता है, किसी को अपॉइंट किया जाता है, पहले आपकी टीम की जो वैल्यू है, आपकी टीम की जो क्वालिटी है, आपके जो रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से उसको बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यार आपको फोर्थ फिनिश करना है प्रीमियर लीग में, अगर उसने फोर्थ फिनिश नहीं किया, कितने कोचेस सैक होते हैं फुटबॉल में, लेकिन उसको सीजन मिलता है ना, उसको 2 सीजन 3 सीजन मिलते हैं ना, आपको रीबिल्ड करना है इस क्लब को, तो यार आपको आपको खुद पता है, मतलब देखिए मैं इस पर ब्लेम नहीं करूंगा कि पीसीबी में क्या हो रहा है, जब आपको खुद पता है कि आपकी जॉब का आपको 6 महीने का नहीं पता, हाउ कैन यू मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स? हाउ कैन यू कम ऑन इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड से कि मैं कल चल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एंड देन यू डिक्टेट द प्लेयर्स? सही है, तो हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ ट्राइंग न्यू प्लेयर्स व्हेन यू नो दैट यू वुडंट बी इवन देयर टू गिव देम इनफ टाइम?